मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न हैप्पी बर्थडे भाईजान भाईजान सवेरे से हम 5 बजे से वेट कर रहे हैं भाई का कि भाई आएंगे। हम तो रात से घर पे नहीं गए, खाना ही नहीं खाए। भाई को बोलो भाई सबसे ज्यादा पसंद है दिल के करीब है, क्या बोलना चाहोगे? किक किक एक्शन कैसी लगती है? बहुत अच्छी मैम, बहुत अच्छी मैम। ऐसी देखिए मैम, ऐसी वाली बहुत अच्छी। ओके दबंग 3 अभी रिलीज हुई है, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे, कैसी लगी आपको दबंग 3? बहुत अच्छी मैम, बहुत अच्छी पिक्चर है। ओके उनके गाना जो हुआ है आइटम सॉन्ग मुन्ना बदनाम हुआ, काफी ज्यादा सुपर डुपर हिट हुआ है, तो मुन्ना बदनाम हुआ उनके गाने का कुछ डांस स्टेप करके दिखा करके दिखाएंगे मैम, क्यों नहीं? पर आप लोगों सबको गाना गाना गाओ यार। 1 2 3 स्वागत तो करो हमारा, पक्का गाएंगे ना सब लोग। भाई इधर आओ ना भाई, अरे आओ मेरे सामने आओ, अरे आओ जल्दी आओ, आ गया आगे अच्छे लगे भाई। अरे आओ ना, अरे ऐसे घूम जाओ बस बस। एक मिनट मैडम प्लीज, नहीं मुन्ना बदनाम, मुन्ना बदनाम। हाँ ठीक है, मुन्ना बदनाम सलमान भाई का गाना लाया हूँ पब्लिक को सुनाने को, भाई ने बोला बहुत बड़ा फैन है ये सबको बताने को, मेरा भाई बड़ा देवनार है पब्लिक की वो जान है, सलमान सुपरस्टार है। सलमान भाई मेरा गाना सुन ले, मेरा लिखा हुआ सॉन्ग तू भी सुन ले, सुन सुन के मजबूर हो रहा था मैं, सलमान के गाने से मशहूर हो रहा था मैं, सलमान के गाने से मशहूर हो रहा था मैं। हैप्पी बर्थडे। सलमान भाई शाम में आएंगे, मेरे को पता है लाठी चार्ज। आज सलमान भाई मुझ बोलो बात करो, एक मिनट भाई आएगी शाम में। मेरा नाम है शेख मेहताब, लातूर से आया हूँ। मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके अब तक जितने भी फिल्म आए मैंने सब फिल्म देखा है, और सबसे ज़्यादा नो एंट्री फिल्म बहुत मुझे पसंद है, और नो एंट्री फिल्म में का उनका सलमान खान का आखिर में का जो वो पहाड़ पे से जो गिरता ना सलमान खान, उसी टाइम उसको फरदिल खान बचाने के लिए आता। तो सलमान खान दबंग 3 बहुत ही अच्छा सीन लगा है उसमें का, मैं 2 बार देखा हूँ अब तक, बहुत ही भारी फिल्म है। मैं रितेश देशमुख के गाँव का हूँ, लातूर डिस्ट्रिक्ट का। मेरा नाम है शेख मेहताब। मुझे सलमान खान का नो एंट्री मेगा डायलॉग सबसे आखिरी मेगा जो शॉट है वो पहाड़ी पे से जो गिरता है ना मैडम, उसको फरदिल खान बचाने के लिए आता है, तो वो बोलता है अरे सनी तू सनी है सनी देवल नहीं धीरे से आ बोलता हो, वो उसी डायलॉग का मैं। बहुत ही मैं भी बहुत भांजियों का मामा हूँ, और सलमान खान अच्छा हो गया मामा हो गए तो वो कब शादी करते हैं, उनके लिए भी हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी कर लेना सलमान भाई भी शादी। उसके लिए भी हम लोग सॉन्ग लिखे। सलमान खान का आज बर्थडे है, सलमान खान को विश कैसे करोगे आप? हैप्पी बर्थडे सलमान खान। ओके यहाँ पे क्या बोलना चाहोगे, दबंग आज चुनमुल पांडे बने हो आप, तो उनका कोई स्टेप आपको मालूम है, डांस करके दिखाओ उनके स्टाइल में। सलमान खान का कौन सा गाना आपको पसंद है? डायलॉग हमें इस बात करनी तुम हमारे घर में घुसे जब हम नहीं थे। ओके सलमान खान का एक्शन कैसा लगता है आपको? मस्त फाइट करते मस्त लगता है। ओके गाना गा के एक सुना दो अच्छे से, हुड़ हुड़ दबंग जैसा आपने बोला फेवरेट है आपका। हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। सलमान खान का बर्थडे है,
कैसे विश करोगे, क्या बोलना चाहोगे? मैं सलमान भाई को दुआ देना चाहूँगा, हैप्पी बर्थडे सलमान भाई, आई लव यू, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, सलमान खान की पहली मूवी जो इन्होंने देखी है, सिर्फ ये 6 दिन के थे जब उन्होंने मूवी देखी थी किक, और शायद आप बिलीव नहीं करोगे ये पैदा भी नहीं हुए थे तब इन्होंने वो मूवी देखी थी दबंग 2। जब से इनको सलमान बहुत पसंद है, और अभी भी 2 बार दबंग 3 देख के आए हैं, तो चुलबुल पांडे के अवतार में है ये, आप देख सकते हैं। क्या बोलना चाहोगे आपके, मतलब सलमान खान की कोई भी डायलॉग वगैरह आपको कौन सी पसंद है, आप क्या बोलना? मुझे तो सलमान खान की पहली बात तो कोई मूवी बुरी नहीं लगती है, उनकी कोई भी मूवी हो सब अच्छी लगती है, मगर मुझे जो मेरे दिल के पास है उनकी एक ही मूवी है, वो है तेरे नाम। तेरे नाम, ओके। कोई डायलॉग वगैरह आप उनके स्टाइल में बोल सकते हो? उनके स्टाइल में अगर मैं डायलॉग बोलना चाहूँगा तो डायलॉग इतने हैं, अभी कौन सा डायलॉग बोलूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये कह रहे हैं मेरा फेवरेट डायलॉग है, आप वो बोलो। गम इस बात का नहीं है कि तुम हमारे घर में घुसे, गम इस बात का है तुम हमारे घर में घुसे तब जब हम नहीं थे। ओके, सलमान खान मामा बन गए वापस से, इसमें क्या बोलना चाहोगे, कांग्रेचुलेशन किस तरीके से करना चाहोगे सलमान भाई के लिए? ये आज शायद दुगना खुशी का दिन है उनके लिए, जब फर्स्ट टाइम उनको अर्पिता मिली थी तो वो बहुत खुश हुए थे, शायद उतना ही खुश हुआ आज भी हुए होंगे जब अर्पिता ने एक उनको और सेकंड बेबी दिया है। तो लास्टली वापस से उनको एक बार विश कर दीजिए सलमान खान। हैप्पी बर्थडे सलमान खान, आई लव यू, थैंक यू। आज सलमान भाई का जन्मदिन है, हम उनके जितने भी फैन लोग हैं सबकी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू, और अल्लाह से दुआ करता हूँ वो हमेशा अच्छे रहें, और उनके लिए एक गाना रोको। तुमसे मिलने की तमन्ना है, सेल्फी का इरादा है, वापस दिल्ली जाना है भाई जान। तुमसे मिलने की तमन्ना है, सेल्फी का इरादा है, वापस दिल्ली जाना है भाई जान। जी जी, उनको बहुत लोग ये समझ लीजिए कि हम ये सोच रहे हैं कि ये एक ख्वाब है हमारे लिए भाईजान, हम लोगों के आंखों के सामने आए, लेकिन बहुत दूर दूर से लोग आज आए हैं, और हम दोनों तो पिछले 5 साल से यहाँ पे घूमते हैं, उनके गाने गाते हैं, आवाज़ बुलाते हैं उन्हें, और बाकी वो हमारे दिलों के अंदर हैं। दबंग 3 उनकी बहुत हिट ने, और सारी मूवी उनकी हिट है, बस हम यही अल्लाह से यही दुआ करते हैं बहुत जल्दी वो आएँ, अपनी एक झलक अपने चाहने वालों को दिखाएं, और लोग अपने अपने घर वापस लौट आएंगे फिर। ओके, आपको सलमान खान के जितने भी अभी फिल्में आई हैं, सबसे अच्छा कौन, मतलब दिल के कौन से फिल्म में ज़्यादा करीब है? उनका वो है ना, वो डायलॉग स्वागत तो करो हमारा दबंग 3। उनका डांस स्टेप जिस तरीके से है, अभी दबंग 3 आई है तो उनके स्टाइल में कुछ डांस स्टेप करके दिखा सकते हैं, जैसे कि आपने गाना गाया? हाँ, ये लड़की एमपी से है, इटासी से है, ये इनके घर के आसपास रहती है, ये डांस करके दिखाएगी आपको। और मेरे को सलमान भाई भी जानते हैं, चार जोड़ी कपड़ा भी दिया है, और 2 टाइम खाना भी देते हैं वो लोग। अब एक गाना गाते हैं, ओके ओके। खून में तेरी मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून, ओ सुल्तान। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी, ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी, के दिल मेरा, के दिल मेरा धक धक डोले, दीवान लिए जाए हिचकोले, ये रात और ये दूरी। सलमान भाई, एक बार आपसे मिलने की तमन्ना है, हम बहुत दूर से हैं, दिल्ली से, इटासी से, ना जाने लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, सिर्फ एक बार आप से मिलने की तमन्ना हो, फोटो लेना है। और सलमान भाई जल्दी मिल जाए, सलमान भाई हैप्पी बर्थडे। एक बात बता दूं, आपसे नहीं डरता किसी के बाप से, क्या मेरे नाम के बिल फाड़ दे, उखाड़ ना उखाड़ ले, मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन, तो लो पंगा
कर दूं मैं तो सुपरमैन भाईजान का फैन।